जब मन अशांत हो तो कुछ समय मौन रहकर हालात समझने चाहिए और फिर किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। इसी से मन को बहुत शांति मिल सकती है। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। बुद्ध ने कहा कि पहले 1 साल तक मौन रखो, फिर प्रश्न पूछना। अशांत मन में प्रश्नों की अधिकता रहती है। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में कुछ मौन हो जाना चाहिए। मौन रहकर हालात समझेंगे तो मन को शांति मिल सकती है। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुँचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तभी एक व्यक्ति पहुँचा और वो बोला कि हे प्रभु, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के अवश्य उत्तर देंगे ना। बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, तुम सारे प्रश्नों के जितने भी पूछोगे उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन 1 साल बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका जो मन था वो एकाग्र होने लगा, वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा, उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसा और कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है तब तक मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनती रहती हैं। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिलते चले जाएंगे। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारी जो भी सिचुएशन होती है उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही चलते रहते हैं और हमारे पास उनके आंसर होते ही नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति को कहा गया कि 1 साल तक मौन धारण करे तो परिस्थितियां बदल गई। दोस्तों, चीजें सब अलग हो गई, उसका अपना माइंडसेट भी बदल गया, तो उस वजह से उस आदमी के सारे प्रश्न खत्म हो गए। ऐसे ही हमारी भी जिंदगी है। हमारे पास में जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो उसका, तो बहुत सारे प्रश्न जन्म लेते हैं हमारे अंदर और उनका कोई सॉल्यूशन हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक सिचुएशन बनती रहती है और उसका कोई जवाब हमारे पास में होता ही नहीं है, तो वही प्रश्न बस चलते रहते हैं और हमारा मन अशांत होता रहता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा किसी चीज की परेशानी है या आपका मन पूरी तरीके से अशांत हो गया है, नेगेटिव थॉट से भर गया है, तो मौन धारण कर लीजिए। 1 साल के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए ही कर लीजिए। उससे आपको जो सिचुएशन है उसे आप जब देखेंगे तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उसका नजर आएगा, क्योंकि आप उस जो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर नहीं घुस रहे, उसे बाहर से बैठकर देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से उसका जवाब मिल जाएगा और आपका मन अशांत नहीं होगा। तो करके जरूर देखिए, ये बहुत ही कारगर तरीका है। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए और वीडियो को लाइक कीजिए।